नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा जी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, जो ऐसे की सीरीज़ चला रहा हूँ, लगातार मैं बहुत सारे ऐसेज दे रहा हूँ, ज़रूर देख लीजिए। और सभी का पीडीएफ मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और सभी पीडीएफ आप देख लीजिए। लेकिन गाइस, ज़रूर वीडियो देख लेना, सो दैट आपको कौन से एरियाज़ में कैसे फोकस करना है वो ज़रूर आपको इम्पॉर्टेंट पता चल जाएगा। तो देखो, आज जो और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ बंधन स्कीम। तो देखो, बंधन स्कीम के बारे में कैसे आपको लिखना है, सबसे बड़े कोई भी स्कीम लेना है तो कब लॉन्च हुआ, कौन लॉन्च किया, ज़रूर ये लिखना। इस पर बहुत डिपेंड करता है आपकी मार्क्स, ठीक है। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया बंधन स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ट्राइफेड ऑन कब 14 अप्रैल 2018। कब? ड्यूरिंग अंबेडकर जयंती। कहाँ पे किया? बीजापुर छत्तीसगढ़ में। तो ये लाइन ज़रूर होना चाहिए आपके कोई भी स्कीम्स दे तो। एम्फसाइजिंग द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ वैल्यू एडिशंस, जो भी ट्रैवल के इनकम के ऊपर जो वैल्यू एडिशन किया जाए, तो उन्होंने कहा वनधन जनधन एंड गोवर्धन स्कीम जो है पोटेंशियल कर सकती है ट्राइबल रूरल इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने के लिए। ऑल दिस थ्री स्कीम्स का जो है एक प्रोमोटेड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, फॉर दिस पर्पज बाय द स्टेट गवर्नमेंट जो है प्रमोट करेगी। द एस्टैब्लिशमेंट वनधन विकास केंद्र, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर मेंशन आपको करना ही है। ये प्रोवाइड करेगी स्किल अपग्रेडेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग देगी, सेटअप करेगी प्राइमरी प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, आप कैसे जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो आपको ये सब देना है, देखो ये इंट्रोडक्शन के बाद आपको जो है फीचर्स बॉडी में ये सब आपको देना है। द फर्स्ट मॉडल जो है वन धन विकास केंद्र कहाँ पे हुआ? बीजापुर में हुआ। बीजापुर इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड, ये इज़ एक साथ आ गया, इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड फॉर ट्रेनिंग ऑफ 300 ट्रेनिंग एंड बेनिफिशरीज को दिया गया है और खर्चा हुआ था 43.38 लाख फॉर ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, टूल, प्राइमरी लेवल प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था, ठीक है, फॉर हाउसिंग द केंद्र, बिल्डिंग हाउसिंग जो वो खर्चा हुआ था। द केंद्र टू स्टार्ट विद विल हैव प्रोसेसिंग फैसिलिटी ऑफ टैमरिंड ड्रिंक मेकिंग, महुआ फ्लावर स्टोरेज फैसिलिटी एंड चिरंजी क्लीनिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। तो ये सब था अंडर वंदन। 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है 30 ट्राइबल गैदरर्स कंस्टिट्यूट हो जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, उनको वर्किंग कैपिटल दिया जाएगा सो दैट वो अपने प्रोडक्ट को जो जंगल से वो कलेक्ट करते हैं उस पर वैल्यू ला सके, ऐड वैल्यू कर सके, मतलब उसको उसके मार्केटेबल उस चीज़ को और सुधार सके, ठीक है, उसको प्रेजेंटेबल बनाया जाए, उसको मार्केटेबल बनाया जाए। वर्किंग अंडर द लीडरशिप ऑफ कलेक्टर के अंडर में अगर आप दिस ग्रुप जो है वो कैन मेन मार्केट देयर प्रोडक्ट नॉट ओनली विद इन द स्टेट बट ऑल्सो आउटसाइड। जैसे क्या होता है, कोई भी जैसे सपोज झारखंड में, ठीक है, कोई ट्रैवल है वो अपना जंगल से कोई भी जो सामान लेके आता है उसको बनाता है, उसको वैल्यू करते हैं और ये डायरेक्टली कलेक्टर के अंडर में होता है। सिर्फ वो अपने वो जो बनाए उन्होंने वो सिर्फ अपने स्टेट में नहीं, वो बाहर भी सेल कर सकते हैं। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है ट्राइफेड की तरफ से और ये प्रपोज्ड है अराउंड 30,000 साच केंद्र बनेंगे कंट्री में। और वंधन विकास केंद्र विल इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ट्राइबल्स के लिए इन कलेक्शन ऑफ MFEC बाय हेल्पिंग देम इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, नेचुरल रिसोर्स को आप ऑप्टिमम यूटिलाइज करके आप जो है सस्टेनेबल लाइवलीहुड दे सकते हो रिच डिस्ट्रिक्ट्स को, ठीक है गाइस। तो ये था आपका, ये इतना लिख दोगे उसके बाद अपना जो है आप और देखिए, ये आइडिया है आपके कैसे आपको अप्रोच करना उसी के लिए। तो चलिए, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।